हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ किरण यादव फ्रॉम JKIE। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम मल्टीप्लेक्सर के बारे में डिस्कस करेंगे। मल्टीप्लेक्सर इट इज़ अ डिवाइस विच सेलेक्ट वन आउट ऑफ सेवरल इनपुट्स एंड फॉरवर्ड इट टू सिंगल आउटपुट लाइन। मतलब मल्टीप्लेक्सर क्या करता है, एक ऐसा डिवाइस होता है जो क्या करता है, सेवरल इनपुट में से, बहुत सारे इनपुट में से किसी एक को सेलेक्ट करके उसको आउटपुट के रूप में फॉरवर्ड करता है, ठीक है, तो वो मल्टीप्लेक्सर कहलाता है। तो यहाँ हमारे पास मान लो N-1 मल्टीप्लेक्सर है, तो यहाँ पे इसका ब्लॉक डायग्राम देखते हैं N-1 मल्टीप्लेक्सर का। तो उसमें क्या होगा, N इनपुट लाइन्स होगा, I0 I1 टिल IN तक आउटपुट होगा, और ये जो है वो क्या करेगा, सेलेक्ट लाइन यूज़ करेगा। तो सेलेक्ट लाइन के थ्रू ये डिसाइड करता है कि कौन सा इनपुट लाइन आउटपुट में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल 2:1 मल्टीप्लेक्सर देखते हैं। मल्टीप्लेक्सर को डेटा सेलेक्टर भी कहा जाता है, क्योंकि डेटा सेलेक्टर इसलिए कहा जाता है क्योंकि किसी इनपुट लाइन में, किसी एक इनपुट लाइन में जो डेटा होगा उसको वो सेलेक्ट करके आउटपुट को फॉरवर्ड करेगा, इसलिए इसको डेटा सेलेक्टर भी कहा जाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं 2:1 मल्टीप्लेक्सर का ब्लॉक डायग्राम, जहाँ पे दो इनपुट होगा इसका, I0 I1, एक सेलेक्ट लाइन यूज़ करेंगे और आउटपुट हमको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, इसका फंक्शन टेबल हम देखते हैं कि कैसे वर्क करेगा। तो जब हम सेलेक्ट लाइन में इनपुट देते हैं तो ये डिसाइड करता है कि कौन सा इनपुट लाइन आउटपुट में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास सेलेक्ट लाइन है, आउटपुट है, तो हम उसका फंक्शन टेबल देखते हैं कि वर्क कैसे करेगा। तो यदि हम इसमें इनपुट देते हैं, ठीक है, S0 में यदि हम इनपुट देते हैं 0, ठीक है, यदि हम 0 इनपुट देते हैं तो ये इनपुट लाइन जो होगा वो आउटपुट से कनेक्ट हो जाएगा और हमको आउटपुट में क्या मिलेगा, I0। यदि S0 की वैल्यू हम 1 देते हैं, ठीक है, S0 की वैल्यू यदि हम 1 देते हैं तो क्या होगा, ये वाला इनपुट लाइन आउटपुट से कनेक्ट हो जाएगा और हमको वैल्यू क्या मिलेगी आउटपुट में, I1। तो इस तरह से ये वर्क करता है और इसका हम लॉजिक एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। यदि S0 की वैल्यू 0 हुई तो हम उसको कॉम्प्लीमेंट में लिखेंगे, यदि S0 की वैल्यू 1 हुई तो उसको विदाउट कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। तो ये दोनों को हम क्या कर सकते हैं, लॉजिक एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब उसकी वैल्यू 0 है तो S0 कॉम्प्लीमेंट I0, ठीक है, और प्लस यदि इसकी वैल्यू 1 है तो ये हो जाएगा S0 विदाउट कॉम्प्लीमेंट I1। तो इस तरह लॉजिक एक्सप्रेशन आ जाता है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे इनटू है, इसलिए यहाँ पे एंड गेट बनेगा और प्लस यहाँ पे और गेट बनेगा। तो इसका लॉजिक हम डायग्राम देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक्सप्रेशन क्या हुआ था, S0 कॉम्प्लीमेंट I0 प्लस S0 विदाउट कॉम्प्लीमेंट I1। तो यहाँ पे हम दो एंड गेट बना लेते हैं, ये कॉम्प्लीमेंट का, ये हमारा I0 S0 I1, ठीक है। तो इसका एंड गेट है, यहाँ पे हम S0 और उसका क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, इसलिए यहाँ पे नॉट गेट लगा देते हैं। तो इसको इसका क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, इसलिए हम इसको यहाँ से कनेक्ट कर दिया, ये विदाउट कॉम्प्लीमेंट को यहाँ से कनेक्ट कर दिया। अब प्लस है बीच में तो हम इसको क्या करते हैं, और गेट से कनेक्ट कर देते हैं। इस तरह से हमारा आउटपुट क्या जाता है, S0 कॉम्प्लीमेंट I0 प्लस S0 विदाउट कॉम्प्लीमेंट I1।